सब्सक्राइब कीजिए टेस्टी फूड पॉइंट को और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलने के लिए बेल बटन दबाना ना भूलें। टेस्टी फूड पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति और आज मैं आपके साथ चिकन मोमोज की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये मोमोज हम बस आधा घंटे में बना के रेडी कर सकते हैं और ये बहुत स्वादिष्ट बनते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे सामग्री ली है। 300 ग्राम बोनलेस चिकन को मैंने यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर से इसको खीमा बना लिया है और एक बड़े साइज का बारीक कटा प्याज और इसको कवर बनाने के लिए 2 से 3 कप मैदा हम लेंगे। पत्ता गोभी 1 कप बारीक कटा हुआ, धनिया पत्ता 2 से 3 टेबलस्पून, स्वाद के अनुसार नमक और 2 टेबलस्पून ऑयल हम लेंगे। 1 टेबलस्पून बटर और सोया सॉस हम लेंगे 1 टेबलस्पून, कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। सबसे पहले सारी सामग्री हम मिक्स करेंगे। पहले मैंने चिकन को डाला है, फिर प्याज मिलाएंगे, पत्ता गोभी और ये धनिया पत्ता। बस सारी सामग्री को हम स्टफिंग में मिलाना है। बटर मिलाया है, सोया सॉस और ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट, नमक हम डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार और ऑयल हम इसमें 1 टेबलस्पून डालेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाएगा मिक्सचर, और ये ब्लैक पेपर पाउडर, कुटी हुई काली मिर्च। सारी सामग्री को अच्छे से हमें मिलाएंगे। मिक्स होने के बाद स्टफिंग हमारा एकदम रेडी हो जाता है। इसको हम साइड में रखेंगे। अब एक मिक्सिंग बाउल में हम मैदा लेंगे, उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और 1 टेबलस्पून ऑयल यूज़ करेंगे। सारी सामग्री को मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसका एक नॉर्मल रोटी के जैसे सॉफ्ट इसका आटा गूंथना है हमें। आटा तैयार होने के बाद इसको 10 मिनट के लिए हम साइड में रखेंगे सेट होने के लिए। और हमारे मोमोज स्टीम करने के लिए हमने यहाँ पे स्टीमर में थोड़ा सा पानी डाल के गर्म करने के लिए रख दिया है। 10 मिनट के बाद आटा बन के तैयार हो जाता है। अब इसके हम बड़े साइज की रोटी बनाएंगे मोमोज बनाने के लिए। इस तरह से मैंने किया है। अगर आप चाहे तो छोटे छोटे पूरी जैसे भी आप मोमोज बना सकते हैं। अब एक ग्लास से हम इसको पूरी का शेप में कट करेंगे इस तरह से। इस तरह कट करने से हमारे मोमोज का जो साइज है वो एक जैसा हो जाएगा पूरा। अगर आप चाहे तो छोटे छोटे पेड़े बना के भी पूरी बेल सकते हैं। ये थोड़ा सा पूरी मोटा है तो इसको फिर से थोड़ा सा पतला करेंगे हम। और ये पूरी तैयार हो जाने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून जितने स्टफिंग हमें इसमें भर देना है और इस तरह से जो साइड्स है उसको हमें फोल्ड कर लेंगे। मोमोज बनाने के लिए उसमें बहुत शेप से मोमो बना सकते हैं, अलग अलग शेप के मोमोज होते हैं, तो इसमें से ये शेप मैंने यहाँ पे बना लिया है। अब हम दूसरा मोमो तैयार करेंगे। नॉर्मल जो मोदक का आकार होता है, मोदक के आकार में भी हम मोमोज को बना सकते हैं। मोमोज जैसे मोदक जैसे भी होते हैं। ये बहुत आसान है। बस इसको स्टफिंग को हमें एक मिक्स कर लेना है और चिकन का स्टफिंग हमारा मोमोज का बनके तैयार हो जाता है। इस तरह से मोमोज तैयार है। अब एक छन्नी के ऊपर हम ऑयल से ग्रीस करेंगे और इसके ऊपर स्टीमर में रख के हम सारे मोमोज को स्टीम होने के लिए रख देंगे। उसको 12 से 15 मिनट तक हमें स्टीम करना है। 15 मिनट के बाद ये अच्छे से कुक हो जाते हैं। आप देख सकते हैं इसके ऊपर बहुत अच्छे से शाइन आया है। मोमोज 12 से 15 मिनट में अच्छी तरह से बनके कुक हो जाते हैं, तो इसे उसके बाद ज़्यादा पकाना नहीं है। अगर ज़्यादा पकाएंगे तो ये सॉफ्ट नहीं बनेंगे, थोड़ा सा ये हार्ड बनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए सिर्फ 12 से 15 मिनट में अच्छे से कुक हो जाएंगे। इसी तरह हमारे मोमोज बनके एकदम तैयार हैं।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साइड में जो बेल आइकन दिया है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए। मोमोज की चटनी का रेसिपी मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।